हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल आशीष सर। आज मुंबई यूनिवर्सिटी की पोर्टल पर सबसे पहले अपडेट मैं लेकर आ रहा हूँ। अपडेट ऐसे ही अपडेट के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी वीडियो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर आपको जाना है। जैसा कि आप सबको पता है, मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है mu.ac.in। यस, mu.ac.in। वहां पर जाने के बाद आपको एग्जाम सबसे पहले पोर्टल इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको इस पोर्टल पर जाने के बाद सबसे पहले आपको इस तरीके पोर्टल आने के बाद आपको एरर 404 दिखाई देगा। आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको एग्जामिनेशन का एक कॉलम दिखाई देगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप एग्जामिनेशन खोलेंगे तो आपको इस इंटरफेस पर वापस एग्जामिनेशन के कॉलम पर क्लिक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर सबसे पहला ऑप्शन ही एग्जामिनेशन का है, तो उस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप एग्जामिनेशन का कॉलम करते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पर रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी का ऑप्शन था, ठीक है, जैसे अगर आपने पहले भी वीडियो देखे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी का ऑप्शन था, उसी के जस्ट नीचे कॉलेज वाइज रिपोर्ट ऑफ रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी का भी ऑप्शन आपको आराम से दिख जाएगा। आपको करना क्या है, उस पर आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। ठीक है, कॉलेज वाइज रिपोर्ट ऑफ रिवैल्यूएशन एंड फोटोकॉपी पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको पांच ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन जो होगा वो बैफ वालों के लिए, बैफ सेमेस्टर 6 के लिए है। सेकंड ऑप्शन बीबीआई के लिए, बीकॉम बीबीआई बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। थर्ड ऑप्शन बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। बीएससी कंप्यूटर साइंस सेमेस्टर 4 फोर्थ ऑप्शन आपके लिए मिलेगा, सेमेस्टर 5 फोर्थ ऑप्शन आपको मिलेगा। एंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा बीकॉम सेमेस्टर 5। ठीक है, आप इन पांचों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करो, यानी आप जिस फील्ड से चूज करते हो, आप बीएससी कर रहे हो, बीबीआई कर रहे हो, बैफ कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, आपका जो स्ट्रीम है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, कोई भी एक स्ट्रीम के ऊपर आप जब क्लिक करोगे, ठीक है, जैसे मैं बीकॉम के ऊपर क्लिक कर रहा था, खोलने के बाद आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा। उस इंटरफेस पर क्लियरली साफ शब्दों में कहा गया है कि ओनली कॉलेज अथॉरिटी हैज़ अथॉरिटी टू साइन इनटू द कंटिन्यू। ठीक है, यानी आपका कॉलेज वाइज रिपोर्ट कॉलेज में आ चुका होगा, उम्मीद करता यूनिवर्सिटी ने भेज दिया होगा आपको। आपके रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी के केसेस की इंक्वायरी के लिए आपके कॉलेज इंफॉर्मेशन कॉलेज के पास जाना होगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, क्योंकि एज़ पर यूनिवर्सिटी पोर्टल मुझे तो यही दिख रहा है कि भाई आपका रिवैल्यूएशन फोटोकॉपी का मार्क्स जो होगा वो यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस के भेज दिए है। तो फॉर मोर इंक्वायरी आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन पर अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर 100% देने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं कोई भी एक जैसे बीकॉम पे गया था, वैसे मैंने किसी और पोर्टल पीबीआई के ऊपर जाके, तो वो सेम सबके लिए विल बी द सेम प्रोसीजर, सबके लिए सेम प्रोसीजर, आपको सेम तरीके का प्रोसेस करना पड़ेगा चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से होगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।